हेलो गाइस, मेरा नाम है सन्नी। आप देख रहे हैं पासी चैम्प और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे नेबुलाइज़र के बारे में जो आप ट्रैवलिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है जो लोग ट्रैवलिंग के टाइम नेबुलाइज़र को यूज़ करना चाहते हैं या फिर जो लोग नेबुलाइज़र को रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो इतना छोटे टाइप का है कि आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, और दूसरा ये कि और जो लोग रेगुलर बेसिस पर नेबुलाइज़र ले रहे हैं वो इसको बैग में डालकर ले जा सकते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव टू इट। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप वीडियो के आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। तो चलिए गाइज, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एमरोन कंपनी का मिनी ट्रैवलर नेबुलाइज़र और इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये है इसका मास्क, इसको अटैच भी करके दिखाऊंगा मैं। मेडिकेशन चैम्बर के साथ अटैच होएगा। ये है मेडिकेशन चैम्बर जिसमें मेडिकेशन डलेगी, जो रैप्सूल्स होते हैं नेबुलाइज़र के, वो जैसे बूडाकोट, डुअलिन, एस्थलिन एट्सेट्रा। और ये है इसका अडेप्टर, सेम एज मोबाइल चार्जर की तरह ही होता है गाइज। ये है माउथ पीस और ये मेडिकेशन चैम्बर के अंदर डलता है जिसे वेपराइज जैसी कुछ निकलता है। ये है ऑक्सीजन ट्यूबिंग और ये है कैप, जो ऑक्सीजन ट्यूब लगाने की जगह है वहाँ पर डस्ट वगैरह ना जाए जब ये यूज़ ना हो रहा हो, इसलिए लगाते हैं इसका, और ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप इसको सेटअप करेंगे इसी वीडियो में। तो पहले मैं जो वेपराइज बनाने वाला था उसको इसके अंदर डाल लेते हैं, और ये आपने केयरफुली डालना है ताकि जो वेपराइज बने वो काफ़ी अच्छे बने। तो गाइज कुछ इस तरह से इसे डालना है मेडिकेशन चैम्बर के अंदर और फिर इसको इंटरलॉक कर देना है। देखिए कुछ ऐसा लॉक हो जाएगा, और साइड से आप मेडिकेशन डाल सकते हैं, इसमें जगह है। तो जो मास्क है उसको ऐसे अटैच करना है आपने। ओके, तो अब ऑक्सीजन ये जो अडेप्टर है सेम एज मोबाइल चार्जर की तरह ही है, और इसका कोई ज़्यादा वोल्ट या फिर ये हैवी नहीं है। मोबाइल चार्जर के शॉकेट में भी ये लग सकता है जहाँ पर मोबाइल चार्जर लगता है, तो ऐसे कुछ लगेगा। और यहाँ पर लगनी है ऑक्सीजन ट्यूबिंग, एक हिस्सा यहाँ पर लगेगा ऑक्सीजन ट्यूबिंग का और दूसरा जो है मेडिकेशन चैम्बर के नीचे लगेगा, ये देखिए कुछ ऐसे। और इसको आपने डेली प्रॉपरली अच्छे से इसको साफ़ करना है ताकि जो इन्फेक्शन होने का चांस है वो ना रहे, क्योंकि आपने ये सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। सांस वाले जो मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी ज़रूरी होता है ऐसे स्टेरलाइज रखना। तो कुछ ऐसा इसको लगा देते हैं। शिट, तो ये लगेगा कि नहीं? ओके, तो चलिए गाइस नेबुलाइज़र को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो मैं इसको शुरू कर देता हूँ, देखिए। और ये इसका एक बटन है, उसको प्रेस करना है। फिर ये सेटअप हो चुका है और इसके अंदर मेडिकेशन डाल के और बटन को प्रेस करने के बाद ये शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप मेडिकेशन डाल सकते हैं और ये माउथ पीस भी यहाँ पर लगेगा। माउथ पीस का काम तब होता है अगर काफ़ी मरीज होते हैं उनको मास्क लगाने में दिक्कत होती है, या बच्चों को भी माउथ पीस लगा के नेबुलाइज देते हैं, उसकी स्टीम देते हैं, क्योंकि बच्चे मास्क को लगाते नहीं हैं, रोने लग जाते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको नेबुलाइज से स्टीम देना। तो माउथ पीस का यूज़ आप बच्चों में कर सकते हैं। और प्रॉपरली आपने इसको साफ़ करना है अच्छे से ताकि जो सांस के मरीज़ हैं उनको दिक्कत ना आए। और माउथ पीस का यूज़ आप कर सकते हैं बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए जिनको मास्क से दिक्कत हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ओके,
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलता हूँ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ओके, टाटा, बाय बाय।